गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये देखिए ये निशांत अपने साथ ही खींचे कर लू। अस्सलाम वालेकुम। हमने कर्दू में रात यहाँ पे स्पेंड किया है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो सुबह हम लोग निकल रहे हैं। आज हमारा प्लान है देवसाई, और वो वेदर अच्छा हो ताकि हम सारी चीज़ें अच्छे से देख सकें और आपको भी दिखा सकें। हमारे साथ रहें आज भी देसी। ये देखें मान साहब भी हमारे साथ हैं। बैड हेयर डे। तो हमने अपनी गाड़ियाँ होटल में पार्क की हैं और जीप हायर की है, क्योंकि ऑफ रोडिंग है और जीप वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो चले देवसाई, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देवसाई जाने के लिए अमूमन दो रास्ते ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से एक स्कर्दू से देवसाई है, जबकि दूसरा अस्तोर से देवसाई है। और ये जीप हमने 16K में हायर की है, जो कि ऑफ सीज़न का रेट है। और हमारे साथ GM भी हैं, ग़ुलाम मोहम्मद ड्राइवर। स्कर्दू की साइड से जाते हुए जो सबसे पहला पॉइंट है वो अली मलिक चेक पोस्ट है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो शतुंग नाला, और जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो है बड़ा पानी। और अगर आप अस्तोर की साइड से आ रहे हैं तो वहाँ से आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो शोसर लेक है। अगर आप गूगल मैप पे देखें तो स्कर्दू से देवसाई तक वो आपको तकरीबन 50 किलोमीटर्स दिखाता है, लेकिन ये तकरीबन 30 किलोमीटर होता है, और जो कि हम इसको 10 किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही ख़राब है। इससे बेहतर ये है कि अपनी गाड़ी जो है उसको आप ना लेके आएँ, क्योंकि टोटली ऑफ रोडिंग है। लेकिन अगर आपके पास 4x4 है तो फिर आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं। अभी हम सतपारा झील पे पहुंच चुके हैं, और जीप के ड्राइवर जो के मुकामी हैं तो वो हमें गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता भी रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे स्कर्दू एंड है, और अच्छा स्कर्दू का यहाँ पे एंड है, और यहाँ आगे इसके आगे क्या मतलब जो एरिया स्टार्ट हो रहा है? ये अभी हम स्कर्दू से ऊपर आया जी, तकरीबन 3000 हाइट पर हम पहुँचे हैं इस वक्त। ये सतपारा झील है। सतपारा झील, अभी सतपारा झील से आगे और 5 किलोमीटर के बाद सतपारा गांव आए हो, उसके बाद हम 1 घंटा गाड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे, 1.25 घंटा, तो तकरीबन हम पहुँच जाएगा 14,000 फुट पे। 14,000? हाँ, तो सही टॉप पे पहुँचेगा, अलमलिक टॉप। अलमलिक टॉप से हम 1/2 घंटा चलेगा गाड़ी, शतों नाला आएगा। शतों नाले से 1/2 घंटा चलेगा तो बड़ा पानी आएगा। बड़ा पानी से हम आगे चलेंगे 1/2 घंटा तो हमें काला पानी आएगा। काला पानी से हम 40 मिनट चलेंगे तो हमें शोसर लेक आएंगे। शोसर लेक हमारी आखिरी पॉइंट है, जो दोसाई का एंड। बिल्कुल 4 घंटे में पहुँचेगा शोसर लेक से। आगे कोई 20 मिनट या 1/2 घंटे 35 मिनट चलेगा तो हमें डॉन पे, फिर जिस तरह हम यहाँ डॉन पे है वहाँ चिलम चौकी डॉन पे पहुँचेंगे। वहाँ पक्का रोड है, वहाँ से 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता है राइट को जाएंगे 2 घंटा तो अस्तोर पहुँचेगा। अस्तोर से 2 घंटे के बाद हम पहुँचेंगे नीचे, नीचे पहुँचेंगे जो KKS पे। अगर चिलम से आप लेफ्ट को जाएंगे तो आपको मिनीमरक, बुजदिल टॉप, दुमेल, ये आगे कश्मीर बॉर्डर की तरफ पहुँचेगा। कश्मीर बॉर्डर की तरफ जी। तो ये हमारा आज का प्लान है। ये एक कुदरती झील है जिसका पानी नहायत शफाफ है, और इस झील का रकबा तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। तो हम निकल चुके हैं सतपारा लेक से, और अभी आप देख सकते हैं कि ये रोड की कंडीशन क्या है।
यहाँ भी पथरीला रास्ता और टोटली ऑफ रोडिंग है। अभी हम देवसाई टॉप पे, जिसको अली मलिक टॉप भी कहा जाता है, वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये देखें व्यू, बहुत सर्दी है यहाँ, धूप निकली हुई है लेकिन कल स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्नो है। थैंक गॉड आज धूप निकली हुई है। यहाँ पे एक दो शॉप मौजूद हैं जहाँ से आप पानी या कोई स्नैक्स वगैरह लेना चाहें रास्ते के लिए, और इसके अलावा वॉशरूम्स भी यहाँ मौजूद हैं। ये हम किस जगह पे हैं इस वक्त? इस वक्त हम पहुँचे जी देवसाई टॉप। देवसाई टॉप पे जी 14,000 हाइट पे, और ये जो आपकी बैक की साइड जो आपको नजर आ रहा है कश्मीर का पट्टी है जी। ये वाली कश्मीर की पट्टी है जी, ये सामने सियाचिन और ये कारगिल। सियाचिन, कारगिल, कश्मीर। अच्छा, कश्मीर ये वाली साइड है? ये साइड कश्मीर, ये कश्मीर है, और ये साथ में ये सियाचिन है, कारगिल बॉर्डर। अभी आप जिस तरह अभी ट्रेंड किया इस तरह इस चाइना बॉर्डर, ठीक है। और ये वाला जो कोना है यहाँ, ये चाइना है। और ये सारी वो कौम है जिसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। देवसाई टॉप से निकल के अब हम, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बड़ा पानी। यहाँ से तकरीबन वही आधे पौने घंटे की ड्राइव है, और रास्ता भी उसी तरह बम्पी और लाइक पथरीला है। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं बड़ा पानी। तो बड़ा पानी के बारे में डिटेल्स हमें देंगे। बड़ा पानी इसलिए बोलते हैं कि ये ब्रिज पे अभी दो तीन शाखों से पहाड़ के दरमियान से पानी गुजर के यहाँ सारा क्लोज होके चलते हैं, इसलिए इस एरिया का बड़ा पानी। ये बड़ा पानी से इस साइड पे, अभी उस साइड पे हम मतलब ये इस साइड पे जो है ये अस्तोर की हदूद है, ये सकर्दू की हदूद है, और ये जो ये मेरे बैक पे आ रही है ये अभी अस्तोर का हदूद शुरू, ये यहाँ से अस्तोर का हदूद स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो नजर आ रहा है सामने ये ब्रिज, इस ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे तो हम अस्तोर की हदूद में चले जाएंगे। उसके बाद अभी हमें आधा घंटा चलने के बाद काला पानी आएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम आधा घंटा मजीद ड्राइव करेंगे तो हम काला पानी की तरफ जाएंगे। आधा घंटा पौने घंटा हम ड्राइव करेंगे तो शेरसर लेक है, ठीक है। ये नई नई चीज़ें हमें भी इंफॉर्मेशन हो रही है, और यकीनन आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होंगी ये सारी चीज़ें। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत है, विज़िट करें आप लोग भी। और ये पीछे जिशान साहब ने अपना ड्रोन उड़ा लिया है, क्योंकि इससे पहले जितनी जगह पे हम रुके हैं वहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं थी ड्रोन की, तो यहाँ पे क्योंकि वेदर भी अच्छा है, इतनी ठंड भी नहीं है, और ड्रोन उड़ाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं पूरा मैप है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोर बीच की मखसूस अमाज का। इस जगह पे बेयर्स होते हैं, ब्राउन बेयर्स, तो थोड़ा केयरफुल भी होना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो बेयर्स हैं वो जहाँ पानी होगा वहाँ पे पानी पीने के लिए, और जिस जगह पे ड्रम्स रखे हुए होते हैं वहाँ पे वो खाने के लिए आते हैं। लर्न टू लिव विद बेयर्स, यस।
लर्न टू लिव विद बियर्स. वैसे आई ऑलरेडी नो हाउ टू लिव विद बियर्स. ये देखें, ये हमारा छोटा सा बियर भी है जो कि हर वक्त नाराज रहता है. हाँ बियर, आई लव यू, मामा लव यू सो मच. बड़ा पानी से निकलने के बाद अभी हम आधे पौने घंटे की ड्राइव के बाद काला पानी तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां हम लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है. शाम हो रही है और हमें शोसर लेक तक भी पहुंचना है. पहाड़ी इलाकों में खुद ड्राइव करने का अपना ही एक मज़ा है और मेरी रिक्वेस्ट पे हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने मुझे ड्राइव करने का मौका दिया. सो गाइज, ये देखिए हम सियोशर लेक पे पहुंच चुके हैं. ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है. ये देखिए 14,000 कि ये हाइट है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं. देखने के लायक जगह, इंतहाई खूबसूरत व्यू. स्कर्दू आए और जहाँ ना आए यहाँ तो माना. अच्छा, मुझे वीडियो खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, सब अपना अपना बिजी है. कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है, सब बकवास कर रहे हैं. खास तौर पे ये अदनान मियां कवाल तो बिल्कुल ही बकवास कर रहे हैं. ठीक है, ये बिल्कुल मेरी वीडियो नहीं बनाता और जो बनाता है वो बिल्कुल ख़राब करता है. अच्छा, एक्चुअल वे ये देखेंगे, इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं नीचे जाने के लिए. इजी पीजी आराम से आप जा सकते हैं. सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है और क्या माशाल्लाह से खूबसूरत व्यूज हैं यहाँ के. 4 घंटे लगे हमें यहाँ तक आने में. शोसर झील दुनिया की खूबसूरत और बुलंद तरीन झीलों में से एक है. ये झील देवसाई नेशनल पार्क के वेस्टर्न पार्ट में है. ये झील 2.3 किलोमीटर लंबी और 1.8 किलोमीटर वाइड है, जबकि इसकी एवरेज डेप्थ 40 मीटर्स है. हरीम, आप क्या कर रही हैं? आपको अच्छा लग रहा है?
पीछे चली जाएंगी। कितने साल पहले ये लेक जो है वो बनी थी? ये लेक तो हमारी 50 साल एज हो गई, हम जब भी देख रहे हैं 30 साल से हम आ रहे हैं, उससे पहले ये लेक है। ठीक है, यानी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा है, उससे पहले 50 साल से भी पुरानी है ये लेक। लाजिम बात, ये बहुत पुरानी है। जब रोड नहीं था तो लोगों को पता नहीं था, जब से रोड बन गया तो पता चला भाई इधर भी झील है। ये झील तो उस जमाने से नीचे देख के बेटा जिधर लोग नहीं आता। यहाँ की कोई खास स्पेशल चीज मतलब लोग इसको नहीं है कोई, सारे 14,000 हाइट इस पहाड़ के दामन में एक कुदरती लेक जो है, पतन के जमाने से मछली भी है। ओ, इसमें मछलियाँ भी हैं और ये मुर्गा भी है, तो आपको नजर आ रहा है सामने खुद, मतलब वो दूर अगर हम देखें वहाँ भी एक है। ये देखो आहिस्ता आहिस्ता शाम गहरी हो रही और बारिश भी होने के आसार नज़र आ रहे हैं, ये देखें बादल। इसलिए हमने यही बेहतर समझा कि हम यहाँ से निकलें, और सबको बहुत भूख भी लगी हुई थी क्योंकि वही हमने सुबह जो होटल में ब्रेकफास्ट किया उसके बाद से अब तक हमने कुछ नहीं खाया था। इसलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अली मलिक टॉप पे हमने जो एक रेस्टोरेंट देखा था, सतपारा रेस्टोरेंट, हम वहाँ जाएँ और देखें अगर हमें कुछ वहाँ से खाने को मिले। Let's see. सर्दी है इस वक्त, हमने यहाँ पे सुबह से वही नाश्ता किया हुआ था तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे खाना खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ये सतपारा होटल रेस्टोरेंट है, देखें यहाँ पे हमें क्या खाने को मिलता है। आई होप कुछ पकौड़े शकौड़े तो मिलेंगे, तो पकौड़े खाते हैं यहाँ पे और फिर आगे निकलते हैं ऐसे गर्दू के लिए। ये बिरयानी इस वक्त तो ये भी बहुत नेमत लग रही है। हम लोग इनके किचन में आके बैठ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। यस बेबी, या श्योर। Guys, I hope you enjoyed the video. If you really like the video, give a big thumbs up. Subscribe to my channel.
टिल देन बाय।